Hello, students. Once again, I welcome you all to this session of English grammar class. Students, in our previous class, we started the topic parts of speech and completed four parts of speech out of the eight. In the last class, we studied the following parts of speech noun, pronoun, verb, adverb. We understood all these parts of speech along with their examples. I hope you have revised them carefully. Today, we will take up the remaining four parts of speech. So, let's start with the fifth part of speech that is adjective. Children, an adjective modifies or gives more information about a noun or नाउन बच्चों एडजेक्टिव को हम हिंदी में विशेषण भी बोलते हैं क्या बोलते हैं विशेषण और विशेषण का मतलब क्या होता है किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करना वो हमें क्या बताते हैं वो हमें नाउन के बारे में और ज्यादा जानकारी देते हैं जैसे लड़की लड़की कैसी है अच्छी तो हम इंग्लिश में क्या एग्जाम्पल देंगे गुड गर्ल तो लड़की की विशेषता क्या है कि वो एक अच्छी लड़की है तो जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं उन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव बोलते हैं टेल अस अबाउट द क्वालिटी क्वांटिटी नंबर और ऑर्डर ऑफ द नाउन सो नाउन की इन सारी चीजों के बारे में हमें कौन बताता है एडजेक्टिव बताता है दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स अब डिस्क्राइब मतलब ऐड करना नाउन में ऐड करना जिस तरीके से हमने एडवर्ब पढ़ा था उसी तरीके से एडजेक्टिव फर्क सिर्फ इतना है कि एडवर्ब में हम क्रिया की विशेषता लेते हैं और एडजेक्टिव में यहां पर हमको किसकी विशेषता बताई जा रही है नाउन की विशेषता बताई जा रही है किसकी बताई जा रही है बेटा नाउन की तो हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझेंगे ब्यूटिफुल गर्ल अब जो गर्ल है वो एक नाउन है और नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड कौन सा है यहां पर ब्यूटिफुल तो लड़की तो है लेकिन लड़की कैसी है सुंदर ठीक है लाउड म्यूजिक म्यूजिक यानी संगीत अब संगीत तो कैसा भी हो सकता है लेकिन हम उसको कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं लाउड म्यूजिक म्यूजिक कैसा है तेज उसकी आवाज कैसी है तेज आवाज है लाउड वन मोर एग्जाम्पल सॉफ्ट पिलो अब तकिया कैसा है सॉफ्ट है नर्म है ठीक है की विशेषता बताने वाला वर्ड यहाँ पर क्या हो गया सॉफ्ट तो इसी तरीके से हम और सारे एग्जाम्पल्स नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए बना सकते हैं आप खुद भी अपने आप ही बना सकते हैं जैसे बिल्डिंग टॉल बिल्डिंग शॉर्ट मैन तो इस तरीके से आप लोग खुद भी अपने आप डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं या बना सकते हैं नाउ सिक्स्थ पार्ट ऑफ स्पीच प्रिपोजिशन Prepositions connect a noun or a pronoun to another noun or pronoun in a sentence. In other words, we can say a preposition is a word that tells where a person, a place, an animal, or a thing is. अब हिंदी में अगर आपको मैं बेटा समझाऊँ तो prepositions जो हैं वो हमें किसी भी noun के स्थान के बारे में बताती है जैसे कि कोई चीज कहां पर है वर्ड्स ऐसे ही होते हैं प्रिपोजिशंस के जो हमें नाउन के स्थान के बारे में बताते हैं वी कैन ऑल्सो कॉल देम पोजिशन वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखेंगे कुछ कौन कौन सी होती है प्रिपोजिशन ओवर इन ऑन अंडर अबव इन टू एक्सेट्रा ये देखो सारे वर्ड्स जो हैं बेटा ये हमें किसी ना किसी स्थान के बारे में बताते हैं जैसे इन का मतलब होता है अंदर ऑन का मतलब होता है ऊपर तो ये सारी चीज ये सारे वर्ड्स क्या है ये सब स्थान के बारे में हमको बताते हैं ठीक है अब हम इनको सेंटेंसेस के थ्रू भी समझेंगे द क्रो इज सिटिंग ऑन अ ट्री क्रो कहा पर बैठा है स्थान का, कौन सा है वो जहां पर कौआ बैठा है वो है एक पेड़ तो इसमें नाउन है क्रो और ट्री तो इन दोनों का आपस में रिलेशन बताने वाला वर्ड है ऑन और, और ये यहाँ पर हमारा प्रिपोजिशन हो गया नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे हम द रैट इज अंडर द टेबल चूहा कहां पर है ये स्थान कौन सा है अंडर अंडर का मतलब होता है नीचे की तरफ तो टेबल के नीचे चूहा है तो अंडर का मतलब नीचे और नीचे क्या हो गया स्थान हो गया तो दोनों वर्ड्स दोनों जो नाउन है हमारे इस सेंटेंस के अंदर एनिमल एक तो हो गया रैट एक हो गया वस्तु टेबल ठीक है तो दोनों नाउन्स का एक सेंटेंस के अंदर जो वर्ड रिलेशन बता रहा है आपस में उसको हम बोलते हैं प्रिपोजिशन और यहां पर हमारी प्रिपोजिशन है अंडर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं द टेडी इज इन द कबर्ड टैडी कहां पर है कबर्ड के अंदर ठीक है तो यहां पर हमारा जो प्रिपोजिशन है स्थान बताने वाला जो वर्ड है वो है इन कौन सा वर्ड है वो इन ठीक है यहां तक समझ में आ गया आपको अब आगे हम लेंगे नंबर सेवेंथ पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेवेंथ नंबर दैट इज इंटरजेक्शन 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 इट इज अ वर्ड मोस्टली प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस मोस्टली इन वर्ड्स का यूज हम कन्वर्सेशन में या लिखने में वाक्य के शुरुआत में मोस्टली इनका शुरुआत में ही प्रयोग किया जाता है दीज वर्ड्स आर यूज टू एक्सप्रेस अ डीप और अडन इमोशन ठीक है इमोशन या फीलिंग कुछ भी हो जो हमारे सडन uh, जो फीलिंग या इमोशन है उनको प्रकट करने के लिए हम इन वर्ड्स का यानी कि इंटरजेक्शंस का उपयोग करते हैं एंड वर्ड्स आर फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब क्या हो गया एक स्ट्रेट uh, लाइन और उसके नीचे एक हम डॉट लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क ठीक है तो मैं आपको इसके और एग्जाम्पल्स बताती हूँ बेटा देखेंगे ध्यान से नंबर वन अब इनको बोलने में भी हमारा uh, फीलिंग पता चल जाती है जब हम इनको बोलते हैं जब इनको सेंटेंस में यूज करते हैं बेटा तो इनकी फीलिंग्स हमको पता चल जाती है जैसे सैडनेस का फीलिंग आ रहा है या विक्ट्री का आ रहा है या पेन का आ रहा है तो जब हम इनको इन वर्ड्स को हम सेंटेंसेस में बोलते हैं तो बोलने के टोन से ही हमें पता चल जाता है कि हमारी किस तरह की फीलिंग्स या इमोशंस आ रहे हैं जैसे देखें फर्स्ट एग्जाम्पल वाओ वॉट ब्रिलियंट आइडिया तो यहाँ पर जो है वा अ ब्रिलियंट आइडिया अब हम खुशी से बोल रहे हैं कि अरे वाह क्या आइडिया है ये ठीक है तो सेकेंड एग्जाम्पल भी देखेंगे आउच आउच दैट जब हमारे कहीं अचानक से चोट लग जाती है तो सबसे पहले मुंह से क्या निकलता है या तो मम्मी निकलता है या फिर आउच निकलता है तो ये आउच जो वर्ड है यहां पर ये एक इंटरजेक्शन है क्या है ये एक इंटरजेक्शन है और इंटरजेक्शन ये वाला जो वर्ड है ये हमारे पेन को जनरली शो करता है ठीक है एक और एग्जाम्पल देखेंगे बेटा हाय हाउ आर यू तो यहां पर हम किसी से मिल रहे हैं ठीक है थीके? एक अच्छी सी भावना है फीलिंग है मन के अंदर तो हम कैसे उसको शो uh, कर रहे हैं हाय हाय वर्ड के थ्रू हम उसको शो कर रहे हैं और आगे हम क्या बोल रहे हैं आर यू कैसे हैं आप ठीक है जनरली हम लोग बोलते ही हैं ना फ्रेंड्स भी आपस में बोलते हैं ठीक है तो ये हमारा इंटरजेक्शन का इंटरजेक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स हो गए ठीक है एंड सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरजेक्शन आर हेलो बाय उप्स हे तो ये कुछ और इंटरजेक्शन के एग्जाम्पल्स हैं जो आपको लर्न करने हैं और ये हम सेंटेंसेस में भी यूज कर सकते हैं आज का हमारा लास्ट पार्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच का वो है कंजंक्शन conjunction. कंजंक्शन को हम लिंकिंग वर्ड्स भी बोलते हैं ठीक है अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंट टू वर्ड्स और सेंटेंसेस दो शब्दों को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने वाला जो शब्द होता है उसको हम कंजंक्शन बोलते हैं ठीक है वी विल सॉरी वी कैन ऑल्सो कॉल देम ज्वाइनिंग वर्ड्स और लिंकिंग वर्ड्स ठीक है जैसे नाम से ही पता चल रहा है ज्वाइनिंग मतलब जोड़ने वाले शब्द हैं ठीक है थीके? इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम फॉर एंड बिकॉज़ और सो बट ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपस में दो तो शब्दों को या वाक्यों को जोड़ते हैं और इन शब्दों को हम क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं कंजंक्शंस ठीक है तो मैं आपको इसके भी एग्जांपल्स दूंगी माय ब्रदर वॉन्ट्स टू बी अ राइटर एंड अ डॉक्टर मेरा भाई क्या बनना चाहता है वो एक राइटर और एक साथ में और क्या बनना चाहता है वो डॉक्टर तो एंड का मतलब होता है जोड़ना ठीक है तो एक वाक्य के अंदर हमें अगर कुछ और जोड़ना है तो हम एंड का प्रयोग करते हैं ठीक है सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखेंगे सीता इज रिच बट गीता इज पुअर यहाँ पे हम बट के थ्रू क्या शो कर रहे हैं कॉन्ट्रास्ट शो कर रहे हैं तो सीता जो है वो एक अमीर लड़की है और जो गीता है वो एक गरीब लड़की है तो यहाँ पर जो बट हमारा जो लिंकिंग uh, वर्ड है या हमारा कंजंक्शन है वो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को शो कर रहा है ठीक है एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं वॉट वुड यू प्रिफर एन आइसक्रीम और चॉकलेट अब और जो वर्ड है ये हमें ऑप्शन देता है चॉइस देता है कि हम या तो ये चीज पसंद कर लें या फिर हम वो चीज पसंद कर लें तो हमारे पास ऑप्शन ऑप्शन के लिए जो कंजंक्शन uh, है वो है और ठीक है तो ये भी आपको समझ में आ गया ठीक है तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे घर पे हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं एग्जाम्पल्स के साथ में आपको कुछ प्रॉब्लम है इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्ड रिगार्डिंग ऑल दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच यू पेन देम डाउन उनको लिख लो और सारे कन्फ्यूजन सारे डाउट्स जो हैं आपके जो जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही है बेटा उनको एक साथ एक कॉपी के अंदर लिख लो ठीक है और जब हम हमारी क्लास में मिलेंगे तो हम उन डाउट्स को और ज्यादा क्लियर कर लेंगे आप अपनी बुक्स की हेल्प भी ले सकते हैं ठीक है और मम्मी पापा के साथ में बैठकर इनको सॉल्व कर सकते हैं सो माई डियर चिल्ड्रन दिस इज ऑल फॉर टूडेज क्लास होप यू आर गोइंग थ्रू वेल विद इंग्लिश क्लास गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास Till then, stay healthy, stay happy, goodbye.